प्रदेश भर में गणगौर का पर्व धूमधाम के साथ और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके पहले दिन घर घर संजारा पर्व की धूम रही और सुहागिन महिलाओं ने हाथों पर मेहंदी लगा करके गणगौर पूजन किया। संजारे पर घर घर में घेवर और फीने की महक भी रही। साथ में नवविवाहित महिलाओं के ससुराल से संजारा भी आया है। आपको बता दें कि संजारे का दिन नवविवाहित महिलाओं के लिए संजारे का पर्व खासा महत्व रखता है और इस दिन वे अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। अब सोमवार को नवविवाहित महिलाओं के साथ में सभी सुहागिन गणगौर की पूजा अर्चना करेंगी और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करेंगी। मेरी शादी का पहला संजारा है। इतने सारे लोगों को देख के मेरे सारे फ्रेंड्स फैमिली सब यहाँ पे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड फीलिंग ब्लेस्ड। बहुत अच्छा लग रहा है सब लोग से मिलकर। पूरे 16 दिन के गणगौर पूजे और रोज़ इतने सारे अच्छे से तैयार होके रोज़ सज धज के गणगौर पूजना एक अपने आप में अलग फीलिंग है, तो अच्छा लग रहा है सब कुछ। हमारा गणगौर महिला क्लब है और गणगौर महिला क्लब हर त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाता है। जैसे कि आज सिंझारा है, कल हमारे जो 16 दिन की गणगौर हम पूज रहे थे कल जाके वो पूरी हो जाएगी। और सिंझारे पे आज मानसी का जो सिंझारा आया है इसमें काफ़ी सारे गिफ्ट्स हैं, साड़ियां हैं, फ्रूट्स हैं, घेवर हैं, ये इसके सारे ससुराल से मतलब आया है सामान। और अभी 16 दिन पियरी थी गणगौर पूज कर और कल अपने वापस ससुराल जाएगी। और सिंझारा बहुत हर्षोल्लास से सारी सखियों के साथ मनाया, बहुत अच्छा लग रहा है। सदा सुहागन रहने की सभी महिला। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।